स्टेयर केस यानी सीढ़ी में स्टील कैसे बांधा जाता है इसके बारे में चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्टेयर केस यानी कि जो सीढ़ी है यहाँ पे कास्ट किया गया है। दो तरीके से कास्टिंग होती है, पहली ये है कि RCC से किया जा रहा है, दूसरा है कि सिर्फ ये स्लैब जो देख रहे हैं ये स्लैब 5 इंच का डाला जाएगा, उसके बाद इसमें ब्रिक की ये स्टेप बनेगा राइजर और ट्रेड इसमें। चलिए यहाँ हम आपको बता देते हैं, अभी यहाँ रुका हुआ है काम। ये स्टील का मेन बार है जो नीचे से वहाँ स्टार्टिंग से आएगा, ये देखिए ये मेन बार है, ये 12 डाया का है और डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसका, ये 10 का हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 का। और एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि ये जो मेन बार नीचे से जो भी है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ऊपर आएगा, और अभी ये लैंडिंग नहीं बनाया है, इसमें क्या होगा कि ये जितना भी बॉटम का सरिया ये यहाँ उठ के चेयर लग के ये ऊपर आएगा, ये टॉप में आएगा, और इधर जितना भी बॉटम का सरिया आएगा ये इसके टॉप में जाएगा, ये बॉटम चला गया तो इसके टॉप में आएगा, ये ऐसे है। यहाँ पे चेयर लगाया जाएगा ताकि स्पेसिंग बना रहे दोनों के बीच में। और ये लैप कितना करेगा, तो ये लैप यहाँ से ये सरिया जो यहाँ से लैंडिंग है तो यहाँ से सरिया ये 24 इंच यानी 2 फुट। उसके बाद ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक फ्लाइट है यानी कि ये सीढ़ी की जो चौड़ाई है ये और प्लस ये लगभग 3 से 3.5 फीट की दूरी होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, और बीच में 4 इंच का गैप रखें। और यहाँ पे ये ब्रिक वर्क किया गया है ताकि यहाँ से ये पार्टीशन वाल जो है दिया गया ताकि ये पैक किया जा सके। और राइजर की बात करें तो राइजर हमारा अप्रॉक्स 6 इंच का होता है और इससे हिसाब से आप स्टेप बांट सकते हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी, लेकिन अगर इनकेस आपके पास जगह कम है तो आप 7 इंच का रख सकते हैं। और ट्रेड की बात करें तो ये आप ये ट्रेड इसे बोलते हैं, तो ये है ये सब 10 इंच का होता है और ये जैसे ही स्टोन लगेगा तो फिनिश होगा तो ये आपको उतना ही क्लियर मिलेगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले ये जो हमारा लैंडिंग है इसका सरिया बांधते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं।